एका संगे 33 जन छात्र छात्री कोरोना रे आक्रांत हेबा परे ढेंकानाल शहर कुंजकांत स्थित आवासिक कॉलेज सील होची। आवासिक कॉलेज सहित हॉस्टल बिल्डिंग को सील करिछि पौर प्रशासन। तागिद सत्वे पिला माने हॉस्टल छाड़ी थिबारु कॉलेज कर्तृपक्ष को पौर प्रशासन कारण दर्शा नोटिस मागिछि। हॉस्टल छाड़ी पिला आइसोलेशन रे रखिबा को निर्देश दिया जाइछि। निज अंचल रो पिला को आइसोलेशन रे रखिबा को संपूर्ण प्रशासन को निर्देश दिया जाइछि। गतकाली कुंजकांत अंचल को 10 दिन पाई कंटेनमेंट जोन घोषणा करा जायतिला। परीक्षा पाई 260 सैंपल जायतिला, सेथिरु 210 सैंपल रिपोर्ट आसीथिबा बेले 33 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। बळगा 50 टी सैंपल रिपोर्ट ए जाय आसी नाही, तेणु पॉजिटिव संख्या बढ़िबार संभावना रहिछि। तेबे अधिक सूचना पाई लाइव आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि राजश्री शतपथी। राजश्री, ये बोधुए खबर प्रसारण होगा पर प्रशासन आउ टे सतर्क हो कि कॉलेज रु संक्रमण एत संख्यार बाहर पर पिला कि भाव में पलाऊ एवं पहुंची कॉलेज को सील कर तमाम व्यवस्था ठीक भाव में करना कहीं कारण गोटे कॉलेज रु 33 जन छात्र छात्री पॉजिटिव बाहर पर वर्तमान डर बढ़ी। देखो उदित, मु कहबा को चाहिबे डेरी रे हेउ पछे से किछि प्रशासन एवं जो रहितला जे एते संख्या रे छात्र छात्री पॉजिटिव बाहरिबा परे मध्य कॉलेज कर्तृपक्ष को दृढ़ भाव रे कुहा जायतिला जे कोनोसी पिल्ला को बाहर को छाड़िबे नाही एवं आइसोलेट करिके रखिबा पई, किंतु ता बाद मध्य तागिद करिबा सत्य मध्य किभलि भाव रे हॉस्टल एवं कॉलेज परिसर खाली करा गला सेटा को नहीं पौर प्रशासन कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिछि। देखा चाहिबी जो कॉलेज जो रही कॉलेज रो मुख्य गेट रे सील करा जाइछि, जो मुद एवं नाली कपड़ा द्वारा सील करा जाइछि एवं कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि कॉलेज कर्तृपक्ष को, ता सहित तांको विरुद्ध रे लीगल एक्शन मध्ये निया जिवो। आम गोड़ अछंती पौर निर्वाही अधिकारी सीधा सळक जानिबा किबोल भाबरे कार्यनुष्ठान कोन ग्रहण करा जिवो। सर कोन कहिबे जेतेबेले कॉलेज हॉस्टल खाली कर दिया जाइछि एते संख्या रे पिला पॉजिटिव होबा परे या परे प्रशासन किभली भाबरे तारो मुकाबला करी? नहीं, आमर रेगुलर जो टेस्टिंग भितर आम देख लु चार जन पिला पॉजिट है जहाँफल आम जिला प्रशासन निष्पत्ति ना टोटाल हस्टेल और कलेज समस्त टेस्ट करने आम दुई दिन ते समय टेस्ट करूँ और काल सुधा 210 जन भितर अनफर्चुनेटली 33 जन पॉजिट बाहर आम गत सांगे सांगे कलेक्टर सार चेयरमैन सहित मीट अर्जेंट मीट होता है जो एसपी मैडम एडीएम सार सीडीएमओ मुझे थी ए निष्पत्ति आज आज ठारूँ एरिया को आम कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कलु और गत काली म्यूनिसिपल टीम टोटाल एनफोर्स टीम आसिक टोटाल सर या भितर दल दल हो पिला हॉस्टल छाड़ी कॉलेज छाड़ी या परे संक्रमण वृद्धि आशंका बढ़ी जाऊ कि तो आप कौन कार्यानुषान ग्रहण कर आज भी मुझे पर्सनाली आम टीम आम तागिद कर प्रिंसिपाल ओनर तागिद कर गत काली कारण नोटिस करूँ और से जेहे इनस्ट्रक्शन करते हैं कोविड गाइडलाइन पर थर हवा कथा कोविड आज कथ नुए दुई वर्ष अढ़े वर्ष कोविड तो से थर हवा कथा कितना कौन कौटे आम देखी कोऑपरेशन ठीक ना और कोविड गाइडलाइन मानि ना जहाँफल आम नोटिस करूँ और आज भी कलेक्टर सर ए विषय पूरा संपूर्ण अवगत अच्छे आम टाउन टू टाउन डिस्कशन करूँ और क्लोज मॉनिटरिंग करूँ और कलेक्टर सांग इंस्ट्रक्शन बल आम भावुँ पर कोविड लाइन निश्चित भाव एक्शन निया केमती आ स्पीडिंग नापाई आम आम म्युनिसिपल टीम को आम कही समस्ते मैकिंग करेंगे लोक अवगत करेंगे लोक मैंने पैनिक न होती आम दृष्टि देचु और टोटल एरिया सानिटाइजेसन करूँ और क्लोज मॉनिटरिंग करूँ जेहतु एजुकेशन हबटा ये बहुत हॉस्टल कॉलेज अच्छी तेनाली पाखापाखि हॉस्टल कॉलेज आम भी टेस्टिंग करूँ निश्चित भाव में स्प्रिंग हम आम संपूर्ण सजाग अच्छा कोविड गाइडलाइन अमान्य जब करश्चित आक्शन नि सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे जेहेतु एई जो अंचल कुंजकांत दुई नंबर वार्ड हेउछि एजुकेशनल हब बोली जणा जाय ढेंकानाल शहर रे। एठारे विभिन्न प्रकारर घरोई कॉलेज अछि, ट्यूटोरियल अछि एवं केवल ढेंकानाल नुहे बाहर जिल्लार पिला मध्य आसिके एठारे पाठ पढ़ती, तो जेतेबेले कॉलेज पिला जो 33 पॉजिटिव रहिछन्ति ता बाद जो माने कांटेक्ट ट्रेसिंग रे थिले सेमाने जेतेबेले हॉस्टल एवं कॉलेज खाली करिछन्ति सेतेबेले प्रशासन पई सबटा बड़ चैलेंज होईछि जे जो माने कॉलेज एवं हॉस्टल छाड़ी जाइछन्ति सेमानंकर कांटेक्ट ट्रेसिंग करिबा। राजश्री आपन कहछन्ति ये बेस्ट चिंताजनक काहेकि ना संक्रमण व्यापीबा परे हॉस्टल छाड़िछन्ति अनेक छात्र छात्री एवं हॉस्टल छाड़ीबा परे निश्चित भाव से निज घर को जाइए सेठारे संक्रमण व्यापार जथेष आशंका रही केमती वर्तमान टैकल कर स्थित को केमती नियंत्रण कांटेक्ट ट्रेसिंग किभली भाव में वर्तमान कहीं विभिन्न अंचल एठाक आसुथे छात्र छात्री पाठ पढ़ु। देख
ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବା କଲେଜ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମଗାଯାଇଛି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ, ଏବଂ ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଇପାରିବ, କେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ କନ୍ସର୍ନ ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କତା କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପିଲା ନିଜ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେଜ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ତ ୟାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପଡ଼ିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେଜରେ ନୁହେଁ, ରାଜଶ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।